गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गैरीज गैलरी। और आज आप लोग के साथ मैं जो शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक, और वैसे भी आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, सो ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है बर्गंडी आई मेकअप लुक। देन लिप कलर जो मैंने बर्गंडी कलर का यूज़ किया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, एंड ये थोड़ा सा डे पार्टी मेकअप लुक है, और जो आप इजीली मेकअप कर सकते हैं इस टाइप का मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है। बेसिकली जो मेकअप क्रिएट किया है वो डे पार्टी के लिए मैंने क्रिएट किया है, एंड चाहे वो आपकी बर्थडे पार्टी हो, गेट टुगेदर पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो डे में, उसके सोच के मैंने क्रिएट किया है। और बेसिकली ये बर्गंडी आई मेकअप लुक है, पूरा बर्गंडी मेकअप लुक है। गाइस बिगनर्स के लिए एंड टीनेजर्स के लिए भी बहुत ही ईजी है ये मेकअप लुक क्रिएट करना। गाइस बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। इस मेकअप को देखने में कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, और वो भी फटाफट वाला मेकअप लुक, तो आपको मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना भी नहीं भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना नहीं भूलना। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं मेकअप की। हाय गाइस, अब मैं स्किन केयर स्टार्ट करूंगी मेकअप करने से पहले, और मैंने लिया है गुलाबरी रोज़ वाटर, उसको स्प्रे करके अपने फेस पे अच्छे से डैप डैप करके एब्जॉर्ब जब तक नहीं हो जाता स्किन में तब तक मैं उसको मसाज करती रहूंगी। टोनर लगाने से ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। फिर मैंने लिया है मसाज क्रीम यानी फेस क्रीम ली है, और ये अरोमा की फ्रूट क्रीम है, और इसको मैं फेस पर अप्लाई करूँगी और अच्छे से मैं इसको भी मसाज करूँगी अपने फेस पर जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाती अच्छे से मेरे फेस पर। फिर मैं लूँगी इनसाइड का पोर मिनिमाइज प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस में है, और कम अमाउंट में अपने नोज़ के टी जोन एरिया में अप्लाई करूँगी। फाउंडेशन से पहले प्राइमर लगाया जाता है क्योंकि आपका जो मेकअप है वो एक स्मूथ दिखाई दे, स्मूथ टेक्सचर दिखाई दे और केकी नहीं दिखाई दे। मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर, और मेरा शेड है वॉर्म न्यूड, और इसको अंडर आई एरिया में और आईलिड्स पे अप्लाई कर लूँगी, हाईलाइट एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी SFR का मैट आई शेडो पैलेट है, लाइट ब्राउन कलर लेकर आईलिड की क्रीज एरिया के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और जब तक ब्लेंड करती रहूँगी जब तक कलर बिल्ट ना हो जाए। उसके बाद हिलेरी हुडा के आई शेडो पैलेट में से डार्क ब्राउन कलर लेकर अपने आईलिड के क्रीज एरिया पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और तब तक मैं दोनों आईलिड एरिया पे ब्लेंड करती रहूँगी जब तक कलर बिल्ट ना हो जाए। उसके बाद लाइट ब्राउन से अपने आई क्रीज एरिया के ऊपर साइड में फिर से ब्लेंड करूँगी जिससे दोनों कलर्स मर्ज हो जाएं, हार्श लाइन ना दिखाई दे। उसके बाद उसी पैलेट में से डार्क पिंक कलर लेकर मैं आउटर वी कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी क्रीज एरिया पे। और उसी पिंक कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्रीज एरिया पे। उसके बाद हिलेरी हुडा का मेटालिक लिक्विड लाइनर है कॉपर कलर का, और ये आई के मिडलेट एरिया पे अच्छे से लगा लूँगी।
फिर लॉरियल का आईब्रो किट पैलेट है और इसमें से डार्क ब्राउन कलर से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। फिर मैंने कंसीलर आईब्रोज के साइड साइड लगाया है और मैंने कंसीलर इसलिए लगाया है जिससे कि मेरी आईब्रोज थोड़ा सा शार्प दिखाई थी। फिर मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का ब्लैक काजल और अपने आई के वाटर लाइन एरिए में हल्का सा काजल लगा लूँगी। फिर उसी पिंक कलर से लोअर लैशेस साइड में अच्छे से स्मज कर लूँगी कलर को। फिर मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का कोलोसल मस्कारा और अपने आईलैशेस में अच्छे से लगा लूँगी। फिर लोअर लैशेस में भी मैं अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट प्लस पोरलेस लिक्विड फाउंडेशन ट्यूब और मेरा शेड नंबर है 128 वार्म न्यूड और इसको मैं अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से टैप टैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी हुडा ब्यूटी का लूज पाउडर और अपने अंडर आई एरिया पर लगाऊँगी और फेस के हाइलाइट्स पॉइंट पे भी लगाऊँगी। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट एंड उसमें से लाइट ब्राउन लेकर कॉन्टोर करूँगी। फिर मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का कॉम्पैक और पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छे से। फिर मैं ब्लश लगाऊँगी उसी स्विस ब्यूटी के पैलेट में से लाइट ब्राउन कलर काइंड ऑफ पीच कलर। फिर मैं नोज एरिया को भी कॉन्टोर कर लूँगी। फिर मैंने लाइट पिंक कलर ब्लश लगाया है। फिर मैंने उसी पैलेट में से हाइलाइटर लगाया है अपने फेस के हाइलाइट पॉइंट्स पर, नोज पर लगा लूँगी। फिर मैं यूज़ करूँगी लिप लाइनर और ये लाइट पिंक कलर में है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है लिप कलर और ये है कलर सेंस का और ये डार्क मरून कलर है काइंड ऑफ बर्गंडी कलर टाइप। इसका शेड नंबर 03 है। यह था गाइस मेरा फाइनल लुक, मेरा फाइनल मेकअप। अब मैं इयररिंग्स वेयर कर लूँगी, इयररिंग्स पहन लूँगी। फिर मैं अपने बालों की हेयर स्टाइल बना लूँगी, सीरम लगा लूँगी हेयर पे। सीरम लगाने से हमारे हेयर अच्छे शाइन और ग्लॉसी दिखाई देते हैं।
गाइस आप लोग को मेरा मेकअप लुक कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे मेकअप के लिए एक लाइक तो बनता है। सो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मेकअप वीडियोस बनाऊंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे मेकअप वीडियो के साथ। बाय बाय।